एक हफ्ता पहले, 4 दिन पहले काफ़ी सारी न्यूज़ आप लोगों ने देखी, हमने भी देखी कि किस तरीके से एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ में हुआ। वो हम भूल के आज आज़ादी का झंडा लहरा रहे हैं, अच्छी बात है, लहराइए। उस आदमी को उस दुष्कर्म करने के लिए सिर्फ 40 मिनट लगे, लेकिन आज 7 दिन हो गए हैं उसको डिसीजन लेने के लिए, उसको फांसी पे लटकाने के लिए हमें 7 दिन लग रहा है, लेकिन उसको वो दुष्कर्म करने के लिए सिर्फ 40 मिनट लगे थे, उसने वो नहीं सोचा था, लेकिन हम सोच रहे हैं उसको सजा देने के लिए। वो एक ट्रेनी डॉक्टर थी, उसके खिलाफ बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ, हो रहा है, चल रहा है, हम सब आवाज उठा रहे हैं। एक लड़की होने के नाते, एक बेटी होने के नाते और एक माँ होने के नाते, हाँ मैं कह रही हूँ कि हम आजाद हैं, लेकिन साथ में बहुत डरे हुए भी हैं, बहुत डर भी लगता है। वो एक ट्रेनी डॉक्टर थी जिनके साथ ऐसी घटना हुई, और वो आज बच्ची हमारे बीच नहीं है। और वहीं मुजफ्फरपुर में भी एक घटना आई जिसके साथ 4-5 लोगों ने मिलकर दुष्कर्म किया, लेकिन हम आज़ाद हैं, आज हम आज़ादी मनाएंगे, बिल्कुल मनाएंगे आज़ादी, क्यों नहीं मनाएंगे, सब आज़ाद हैं। तो क्या हुआ कि उसके साथ 5 लोगों ने मिलकर दुष्कर्म कर दिया, तो क्या हो गया जो उसके बॉडी पार्ट्स को काट के फेंक दिया, तो क्या हो गया कि उसके माँ बाप ने उसका पूरा शरीर सही से नहीं देख पाया, तो क्या हो गया कि उसको अंतिम संस्कार भी जाके पुलिस ने कर दिया, तो क्या हो गया आज हम आजादी मना रहे हैं। यस, प्राउडली मैं भी एक इंडियन हूँ, मैं भी आजादी मना रही हूँ, लेकिन क्या सोचिए, आपके घर में भी माँ है, बहन है, बेटियां हैं, क्या आप नहीं डरते हैं इन सब चीजों से? हम सब लोग देखते जरूर हैं, हम सब के सामने गलत हो रहा होता है, हम सब लोग देखते हैं और हम लोग मजे लेते हैं, हम कुछ बोलते नहीं हैं, हम बढ़ावा भी देते हैं, हमारे बीच गलत हो रहा होता है हम खुद उसको बढ़ावा देते हैं, लेकिन हम कुछ बोलते नहीं हैं। ठीक है, आज हम लोग आज़ाद हैं, सच में आज़ाद हैं कि नहीं है ये नहीं पता, बट ठीक है, आज सब कुछ भुला के हम अपना तिरंगा है हम लहराएंगे, जितनी सिक्योरिटी हमारे जितने भी VIPs को मिलती है क्या उनको ज़रूरत है? मुझे तो लगता है कि हमारी देश की लड़कियों को उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत है, शायद उनको उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी उनको प्रोवाइड की जाती है। देखते सब हैं, सुनते सब हैं, लेकिन करते कोई कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी, मेरा भारत महान, हम सब महान। घर में बहुएं सबको चाहिए होती हैं, बीवियां सबको चाहिए होती हैं, लेकिन बेटियां किसी को नहीं चाहिए होती हैं, और बेटियों के रिस्पेक्ट करनी किसी को नहीं आती है, मजाक बन के रह गई हैं। अपनी इज्जत है मेरी घर की इज्जत है, आपको लगता है ना मेरी घर की इज्जत है, दूसरों के घर की इज्जत को भी इज्जत समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मनाते हैं, आप भी आज़ादी मनाइए, हम भी आज़ादी मनाते हैं, पर ज़रा अपने आप से पूछ के देखिएगा, हर एक हिंदुस्तानी, क्या जिनकी वो मुजफ्फरपुर की मैं बात करूं, एक गांव की घटना है वो, जिस 9 साल की बच्ची के साथ में ऐसा हुआ, आज उसके माँ बाप नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, चीज़ें जानते, क्या उसको उसके लिए न्याय नहीं होना चाहिए? क्या उसको न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या उसके घर वालों को न्याय नहीं मिलना चाहिए? आज़ाद हैं क्या, सच में आज़ाद हैं? ये देखिए, ये आप लोग देखिए। और रेप सिर्फ ये नहीं है, रेप तो हर दिन मेंटली लोग रेप करते हैं औरतों का, फिजिकली तो जो ओपनली ये सब चल रहा है वो तो है ही है, लोग मेंटली करते हैं, इमोशनली करते हैं, वो भी एक रेप ही है। तो बंद करिए दिखावा, बंद करिए ये सब कि हाँ हम सब एक हैं, समान हैं, एक समान हैं, सब में समानता है, नहीं ऐसा नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बातें अच्छी लगे, लेकिन कुछ लोगों को बुरी भी लग सकती हैं, लेकिन जो सच है वो है। लहराइए तिरंगा अच्छे से, देख लीजिए कहीं तिरंगे में आपकी माँ बेटी और बहन की इज्जत ना लहर रही हो ऊपर। सॉरी टू से बट बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, और चूँकि मैं खुद एक बहन हूँ, एक बेटी हूँ और एक माँ हूँ, इसलिए बुरा लग रहा है। तो जैसे 40 मिनट में उसने एक लड़की की इज्जत तार तार की, मुझे लगता है कि ऐसा हक हम लड़कियों को भी दे देना चाहिए, या पूरे हिंदुस्तान में होना, जिसको ऐसा पता चले खड़े होके उसको गोली मार देनी चाहिए, और बस यही होना चाहिए।
अगर हम सच में आज़ाद हैं, चीज़ें हैं, तो हमें भी हमारे राइट्स सारे मिलने चाहिए। और यस, न्याय मिलने में इतनी देरी क्यों? जिसको दुष्कर्म करने में टाइम नहीं लगा, जिसने उस बच्ची की जान लेने में टाइम नहीं लगा, उसको सज़ा देने में हमें इतना टाइम लग रहा है सब जानते हुए भी, क्यों? वो बच्ची भी और मुजफ्फरपुर की भी बच्ची, मुझे जिस हिसाब से लोगों ने उनके साथ जो दुष्कर्म किया उसी हिसाब से उनको मारना भी चाहिए। चलिए, यही बोलना था आज के दिन। आज़ादी है, मुझे भी आज़ादी है अपनी बात रखने की, तो मैंने आप लोग के सामने रखी। चलिए, सारे VIPs को पहले हम लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो ज़रूरी है। लड़कियां क्या है, इज्जत क्या है? इधर आज एक सुन लिया रेप हो गया, ओ माय गॉड, डाल दिया हैशटैग जस्टिस, वो डाल दिया जस्टिस, बोलने कोई नहीं जाता है। क्यों? कहीं ना कहीं किसी ना किसी का लिंक होता है। तो भैया से या बड़े लोगों से अपने रिश्ते खराब नहीं करने, अपने रिश्ते नहीं खराब हो, भले इज्जत जा रही है, कोई मर रहा है, मरने तो क्या?